कि प्रिया जी के साथ में मिलन प्राप्त हो, उनका उपास्य उपासक इन दोनों की संयुक्ति प्राप्त हो, यही इसका परम फल है। जैसे कि एक ज्ञानी प्रणव का उच्चारण करते हुए ही उसके विस्तार के रूप में जो अनुस्वार और नाद उत्पन्न हुआ, उस नाद में ब्रह्म में जैसे लीन हो रहा है, जैसे ब्रह्म में जैसे वो लीन हो रहा है, इसी प्रकार यहां पर भी उपास्य उपासक में लीनता को प्राप्त करते हुए मैं विराजमान हूं, मन उपास्य के साथ में सायुज प्राप्त करके मैं विराजमान हूं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रयास यहां पर प्रयास भी चल रहा है, साथ में प्रयास करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं। तो उपास्य उपासक मिथस संयुक्त रति जनन पूर्वक इन दोनों में ही परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न हो और अभीष्ट सारे काम जो है उनकी सिद्धि हो जाए, इसके लिए विनियोग, इस मंत्र के जप का हम विनियोग कर रहे हैं। भले क्या परिहास है और विद्वत्ता श्याम सुंदर की, क्या अद्भुत हंसी हंसी परिहास चल रहा है। कह रहे मैं तो मैं विधि बता रहा हूं, कोई दूसरा टोक नहीं सके, बोल मैं तो विधि बता रहा हूं। पर हम लोगों के लिए कितना माने मंत्र जप कैसे किया जाए उसकी जैसे एक शास्त्री जो विधि है उसको भी लीला लीला में वो पूरी पूरी विधि उसको भी कहीं बताते हुए चले जाए। इति पूर्वांगम यथाविधि संपाद्य, ये पूर्वांग जो है उसको यथाविधि संपादित करके, अब हमेशा ये करने की जरूरत नहीं है, नित्य ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार जब कहीं श्री गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं उस समय वे शास्त्रीय विधि का पालन कर लेंगे, परंतु साधक को ये जो कर्मकांड की विधि है, मीमांसा की विधि है, इसको नित्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि नित्य करेगा तो फिर उसे श्री वृंदावन में निकुंज में प्राप्ति न होकर के द्वारका में या गोलोक में प्राप्ति होने लग जाएगी। ऋणसा सृष्ट करो विधि मार्गेण सेवते केवल नहीं भावे नो महषित्व यात्पुरे, श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि ठीक है गुरुदेव एक बार दीक्षा की विधि के समय ये विधि का शास्त्रीय विधि को आदर देने के लिए इनका पालन कर लेंगे, परंतु तो नित्य प्रति हमको करने की जरूरत नहीं है, नित्य प्रति करने से बल्कि नुकसान हो जाए। और यदि विधि मार्ग के द्वारा सेवा की जाएगी और विधि को अत्यंत अपनाया जाएगा तो महषित्व या पुरे, फिर श्री वृंदावन निकुंज की प्राप्ति न होकर के पुरे माने गोलोक धाम में या द्वारका में उस साधक के महषी रूप में स्थिति हो जाएगी। इसलिए अमुक अमुक अवसर पर भले कभी कभी ये जो अंगन्यास करन्यास विनियोग ये किए जा सकते हैं, नित्य में तो बस श्री गुरुदेव का स्मरण करके अपने मंत्र का जप करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए और उसमें कर्म कांड की उतनी विधि में नहीं बढ़ना चाहिए। जो नित्य विधि है उनको तो करना ही है, मैं तलक जैसे तलक इत्यादि धारण करने हैं, ध्यान करना है श्री प्रिया जी का, प्रियालाल का कस्तूरी तिलकम लाल पटके वो ध्यान किया जाएगा, परंतु तो अंग न्यास कर न्यास करना नित्य अनिवार्य हो ये साधकों के लिए श्री गुरुदेव उसको उसकी परमिशन नहीं देते, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते कि तुम अपने पाठ करो। श्री हरिनाम मंत्र में तो ये जरूरी है ही नहीं, हरिनाम मंत्र में तो माने आन से चलते फिरते कभी भी नाम ना मकार बहुधा सर्व शक्ति, और गुरु मंत्र में भी नित्य प्रति करने की और अंगन्यास करन्यास का बहुत ज्यादा आग्रह रखने की वहां पर भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने पर फिर द्वारका धाम की द्वारका परकर की प्राप्ति होगी, श्री वृंदावन परकर की प्राप्ति नहीं होगी, ये सावधानी भी बताई इत्यादि। पूर्वांगम यथाविधि संपाद्य, ये पूर्वांग इनको करके अब इष्ट देवी का ध्यान करना चाहिए।
ये गुरु जी मुझे बताएंगे कि इष्ट देवी का ध्यान करो। अब किशोर जी का ध्यान, किशोर जी का षडक्षर मंत्र है, उस मंत्र के बाद में मंत्र के देवता का ध्यान, उसकी विधि बता रही है कि अथस्वी सरस्ती कुंज रंगस्थले मुदा सभ्या नाली गणान भंग्या धन्वंती नर्म नर्तनई गौरीं रक्तांबरां नेत्र रम्यां सुनेत्रां सुस्मितानां श्यामां श्यामा खिलाभीष्ट साधिकां राधिकां श्रये। उन श्री राधिका का हम आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान है बलिहारी। क्या सुंदर, ठीक है, लीला लीला में जो भजन की पद्धति है, जो साधन गुरु शिक्षा गुरु जैसे शिक्षा प्रदान करेंगे, वो शिक्षा गुरु के रूप में श्री दास गोस्वामी जी हम लोगों को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये भजन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसकी पद्धति ये जो शिक्षा गुरु देते हैं वो शिक्षा गुरु की भजन की पद्धति यहाँ पर सुंदर प्रकाश से दिखा दी गई। और कह रहे हैं कि शिवप्रिया जी का ध्यान करें कि प्रणव मिथ श्री विश्वानंद विद्युलता को विभाव विभाविता मुग्धाम गंगाक्षिंद कुंज मास्तराम रक्तांबराम या नीलांबराम आलिजनि सुसेवताम। गर्मी की ऋतु में नीलांबराम और जाड़े की ऋतु में विशेष रूप से रक्तांबराम श्री किशोर जी का ध्यान करते हुए विराजमान हो कि प्रणव मिथ श्री विश्वानंदिनी को हम प्रणाम कर रहे हैं जो मुग्धाम अनंत निकुंज में विराजमान है और रक्तांबरा जाड़े में के दिनों में सर्दी के दिनों में लाल वस्त्र गर्माई देता है, लाल रंग अच्छा लगता है, इसलिए रक्तांबरा और गर्मी के दिनों में नीलांबरा। तो शिवप्रिया जी की कभी नील साठ का नीली साड़ी कभी लाल साड़ी, इनका स्मरण करते हुए फिर शिवप्रिया जी का स्मरण करेंगे। फिर श्री गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा का भी अनंग मंजरी नवमी गुरुचंद संभव प्रोहान तांबुल भक्त, तो श्री अनंग मंजरी इत्यादि जो गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा का ध्यान करते हुए फिर अपने स्वरूप का भी ध्यान करेंगे कि ये दासी अमुक नाम की अमुक वस्त्र धारण किए हुए विशेष रूप से इसकी ये सेवा है, उस अपनी सर्वोच्च सेवा उसका स्मरण करते हुए फिर वह सेवा में निकुंज में प्रस्तुत हुई है और वो श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान हो रही है। इस तरह से वो श्री गुरु परंपरा में गुरुदेव ने जो स्वरूप स्मरण कराया उस स्वरूप का स्मरण करते हुए फिर अपने भाव में स्थित होकर के फिर निकुंज में प्रियालाल अपने यूथ के अनुगत, श्री विशाखा जी का यूथ है, ललिता जी का यूथ है, जिनका भी यूथ है उन यूथ के अनुगत होकर के श्री विशाखा के युद्ध के अंतर्गत श्री अनंगमंजरी जी के साथ में ये साधक कृपा करते हुए विराजमान हो रहा है, ऐसे सेवा करते हुए ये साधक विराजमान हो रहा है। यहाँ पर वही पद्धति चल रही है बिल्कुल। श्री किशोरी जी का जो मंत्र की देवी है उनका स्मरण किया जा रहा है और कह रहे हैं कि अतस्वी सरस्ती रे, जो श्री विश्वानंद ने अपने श्री राधा कुंड के तीर पर विराजमान है कुंज रंगस्थले मुदा, और राधा कुंड के पूर्व की ओर जो अनंग रंग नाम करके श्री प्रिया जी की अपनी कुंज है उस अनंग रंग कुंज में रंगस्थले उसमें श्री प्रिया जी विराजमान है सभ्यान आलिगणान भंग्या धन्वंती और उनके चारों ओर अष्ट सखीगण घेर करके उनकी सेवा करती हुई विराजमान है तांबुल भक्तों ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चंपकलताई चमक कर रही हैं चित्राम बसंत कर्मणि श्री चित्राजी हाथ में तौलिया लेकर के खड़ी हुई हैं वस्त्र सेवा करती हुई चित्राम बसंत कर्मणि बंदे वाद्य तुंग विद्या जी वीणा बजा रही हैं इंदुलेखांच नर्तने और शिक्षण इंदुलेखा जी नर्तन और शिक्षण की सेवा करते हुए विराजमान है सुदेवी जल सेवाया सुदेवी जी हाथ में झारी जल पात्र लेकर के खड़ी हैं रागे श्री रंग देवता और श्री रंग देवी जी अपने हाथ में कजरोटा अतरोटा इनको लेकर के खड़ी हैं माने आलता बिंदी सुहाग बिंदी कजरोटा काजल इत्यादि जो रंग सेवा है
उस रंग सेवा को लेकर के श्री सुदेवी जी खली हैं और इन अष्ट सखियों से सेवित होकर के श्री प्रिया जी बीच में विराजमान हैं, प्रिया लाल दोनों विराजमान हैं और ये अष्ट सखीगण उनकी सेवा करते हुए विराजमान हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि सभ्यान आलीगण, सभ्य जितने भी आलीगण हैं उनको भंग्या धनवंती परम भंग्यमा के साथ में श्री राधिका कटाक्ष सहित उन सखियों की ओर देख रही है, भंग्या धनवंती और नंद नर्तन परिहासपूर्ण नर्तन करते हुए विराजमान हैं श्री राधिका गौरी, गोरा श्रीअंग है, मैं तप्त कांचन गौरांगी होकर के तपा हुआ सोने में जैसे ललोल भी है और चमक भी एकदम ज्यादा है। ठंडा सोना तो पीला सा लगता है परंतु तपा हुआ सोना जो है वो ललोई और चमक दोनों से युक्त होता है। तो तप्त कांचन गौरांगी होकर के श्री विश्वानंदिनी विराजमान है रक्तांबरा और रक्त वस्त्र जो है उनको धारण करे है। अब कार्तिक के बाद में तो आप रक्त वस्त्र कार्तिक में तो विशेष रूप से लाल रंग उसका विशेष महिमा, तो रक्तांबरम रक्तांबरा धारण कर गर्मी में नीलांबरम, तो रक्तांबरम रम्यम परम रमणीय होकर के विराजमान है, सुनेत्राम सुंदर उनके नेत्र हैं और सुस्मितान नाम अधरों के ऊपर अपूर्व मुस्कान विराजमान है, श्यामा जो श्यामा होकर के विराजमान अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जिनके श्रीअंग का स्पर्श परम शीतल और शीत ऋतु में जिनके श्रीअंग का स्पर्श श्याम सुंदर के लिए परम उष्ण होकर के विराजमान है, ऐसे श्यामा श्यामा खिलाभीष्ट जो श्यामा होकर के विराजमान जिनका एक नाम भी श्यामा है अर्थात अंत बहिर दोनों जगह कृष्ण ही जिनके विराजमान है, ऐसे श्यामा अखिल अभिष्ट साधिका भक्त की जितनी भी अभिष्ट इच्छाएं हैं उनको जो प्रदान करने वाली है उन राधिका श्रेय उन राधिका का मैं आश्रय ग्रहण करूंगा। ऐसे ध्यान सुचरण कार्यत्वा श्री गुरु जी मुझे बैठ करके कहेंगे आंख बंद करके ध्यान करो, ऐसे जब ध्यान करूंगा तब मह्यम कामिने काम बीज पुटितम मंत्र राजम उपदिश्यो, मैं जो श्री राधे का मिलन की कामना वाला हूं उन्हें काम बीज पुटितम काम बीज से युक्त जो मंत्र है वो मंत्र कृपा करके वे प्रदान करेंगे। काम बीज पुटित जो मंत्र राज है वो मंत्रराज वे कृपा करके मुझे प्रदान करेंगे। तो वे षडक्षर मंत्र या वे दशाक्षर मंत्र विशेष रूप से मुझे प्रदान करेंगे। मुख्य जो मंत्र है वो दशाक्षर है उसका ही अधिक जो विस्तार है वो अधिक विस्तार अष्टादशाक्षर मंत्र होकर के विराजमान है। तो हमारे उपासक कौन है बोले गोविंद, परंतु गोविंद तो सब रसों से पूर्ण होकर के हमारे उपासक है कृष्ण, परंतु कृष्ण तो ऐश्वर्य से युक्त होकर के भी विराजमान है, इसलिए अपने भाव को कहीं मधुरता में ही केंद्रित करने के लिए कृष्ण के बाद में गोविंद का ध्यान किया गया। अब गोविंद भी चार रस से युक्त हैं, दास्य सख्य बात्सल्य मधुर चारों रस से युक्त हैं, ऐसी स्थिति में श्री गोविंद का सर्वोत्तम जो स्वरूप होगा वो सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा होगा बोले जो गोपीजन वल्लभ स्वरूप है वही उनका संपूर्ण माधुर्य से युक्त होकर के स्वरूप विराजमान है। अतः कृष्ण गोविंद और गोपीजन इन तीन स्वरूप में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जीव उनके श्री चरणारविंद में समर्पण करेगा। इनमें मुख्य जो ध्येय स्वरूप है वो श्री गोपीजन वल्लभ अर्थात दशाक्षर जो मंत्र है वो दशाक्षर मंत्र ही मुख्य होकर के वहां पर विराजमान है उस दशाक्षर मंत्र को। और यहां पर फिर काम बीज सहित श्री राधिका उनको आत्मसमर्पण करते हुए जो षडक्षर छह अक्षर का जो मंत्र है उस छह अक्षर के मंत्र का श्री तुंग विद्या जी
मुझे उपदेश प्रदान करती हुई विराजमान होंगी। तो मह्यम कामिने काम बीज पुटतम मंत्रराजम उपदिश्य, मुझे ये काम बीज से युक्त मंत्रराज उनका उपदेश करके माम कृतार्थी करो, तो मुझे कृतार्थ करेंगे। श्री मुक्ताचरित्र बिल्कुल पीएचडी की क्लास है, ये समझना चाहिए, ये प्राइमरी क्लास नहीं है, पीएचडी की क्लास है। और इसमें सर्वोत्तम जो उपास्य तत्व है उस उपास्य तत्व का यहाँ कृपा करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भाव के आवेश में आकर के उसका परमेश्वर जो जिस वस्तु को श्री गुरुदेव साधक को बड़ी गंभीरता में एकांत गोष्ठी में जिस बात का जिस तत्व का निरूपण करते हैं उसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पर कृपा करके माने जो अधिकारी भक्तजन हैं उन अधिकारी भक्तजनों की प्रेरणा से उसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर अधिकारी जनों के सामने उसको प्रकट करते हुए विराजमान। तो मह्यम कामिने काम बीज पुटतम मंत्रराजम उपदिश्यो, जो मंत्रराज है उस मंत्रराज का उपदेश करके मुझे कृतार्थ करेंगे। फिर ये कहेंगे कि अब तो श्री राधा रानी की स्तुति कर, श्री राधिका कोई सामान्य स्त्री नहीं है, एक सामने स्वरूप जो दिखता है वो श्री राधिका का एक गोपी देह जैसा दिखता है, एक स्त्री देह जैसा दिखता है, परंतु यह कोई सप्त धातु का बना हुआ देह नहीं है, यह कोई प्राकृत देह नहीं है। श्री प्रिया जी का देह तो प्राकृत हो गई कहां, जब हम लोगों के अपने देह भी स्वप्न में सात धातुक नहीं है। तो श्री नुकुंज मंदिर में जो श्री प्रिया विराजमान है, सखीगण विराजमान है, उनके देह तो सप्त धातु के हो ही नहीं सकते या अष्ट धातु के हो ही नहीं सकते हैं। हमारे देह में आठ धातु हैं, सबसे पहले केश, केश के बाद में खाल त्वचा, त्वचा के बाद में रक्त, रक्त के बाद में धमनी, धमनी के बाद में मांस, मांस के बाद में अस्थि, अस्थि के बाद में अस्थि में छपा हुआ मज्जा, ये सप्त धातुओं से बना हुआ हमारा शरीर। और अष्टम जो धातु है वह तेज या वीर, ये अष्ट धातु से बना हुआ हमारा शरीर है प्राकृत भौतिक। परंतु श्री प्रियालाल का जो शरीर है वह अष्ट धातु से नहीं है, हमारा अपना शरीर भी भौतिक शरीर जो है स्थूल शरीर वो तो सप्त धातु या अष्ट धातु है, परंतु हमारा जो अंत स्वप्न शरीर है वह भी सप्त धातु अष्ट धातु नहीं है। क्योंकि स्वप्न में कई बार व्यक्ति दर्शन करता है, कभी कभी ऐसा भी स्वप्न देखा जा सकता है कि व्यक्ति मर गया है और उसको लोग बंधु बांधव ले जा रहे हैं और उसको जला रहे हैं, उसको जला दिया, अब दर्शन करने वाला कौन है, वो खुद ही तो देख रहा है सपना, पर अपनी मृत्यु अपने स्वप्न में अपने ही शरद छेद को यदि कोई दर्शन करे तो इससे पता लगता है कि सप्तधातुक शरीर नहीं है, क्योंकि देखने वाला भी अपने ही मृत्यु का दर्शन कर रहा करते हुए विराजमान। अब किसी डाकू ने या शत्रु ने आकर के स्वप्न में किसी को स्टैबिंग कर दिया, भाला घोंप दिया, बंदूक चला दी, वो स्वप्न देख रहा है कि मैं मर रहा हूं, परंतु उसके रक्त निकल रहा है, परंतु बेड के ऊपर कहीं रक्त दिखेगा नहीं, जब जाएगा कहीं दिखेगा रक्त बेड के ऊपर, जहां जिस शैया के ऊपर सो रहा है। इसका मतलब है कि स्वप्न का जब हमारा शरीर ही सात धातुक नहीं है, स्वप्न मात्र में ही नहीं है, तो फिर निकुंज में तो सात्विक स्वरूप होने का संभावना है ही नहीं। श्री प्रिया जी के जिस स्वरूप का यहां ध्यान किया जा रहा है वह सात्विक है ही नहीं, वह चिन्मय है। और चिन्मय कैसे है, बोले वो महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान, महाभाव ही जो आह्लादनी शक्ति है वह आह्लादनी शक्ति ही संबित और संधनी शक्ति से युक्त हो गई, और जब संबित और संधनी शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हुई तो अब श्री प्रिया जी का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप श्री राय रामानंद प्रसंग में
जैसे श्री राय रमन महाप्रभु को बताते हैं कि श्री राधिका का स्वरूप महाभाव स्वरूप है, उस महाभाव स्वरूप का ही यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि महाभाव ज्वल चिंता रत्नो भाविस्य विग्रहम, के महाभाव ही अर्थात जो आह्लादनीय आनंद शक्ति है वो आनंद शक्ति ही जो चिंता रत्न है, चिंतामणि स्वरूप है आह्लादनीय शक्ति, वो आह्लादनीय शक्ति ही कहीं संवित शक्ति और संधिनी शक्ति। संवित शक्ति का तात्पर्य है अपने आप को प्रकाशित करना और संधिनी शक्ति का तात्पर्य है जिसको छुआ जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके, जिसको जाना जा सके, जिसको छुआ जा सके। तो छुए जाने की जो स्थिति है उसका नाम है वो संधिनी शक्ति का कार्य, अनुभव करना ये आह्लादनीय शक्ति का कार्य है, उसके पहचानना रिकॉग्नाइज करना ये संवित शक्ति का कार्य है, परंतु उनके चरणों की सेवा करना या संधिनी शक्ति का कार्य है। तो जो आह्लादनीय शक्ति स्वरूप श्री राधिका वे ही संवित से युक्त होकर के हृदय के द्वारा ज्ञान की विषय बनती है और वे ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के प्रियागणों के सखीगणों के द्वारा सेव्या होकर के सेवनिया होकर के विराजमान होती हैं और सखीगण उनको भोजन कराती हैं, स्नान कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं। इस प्रकार आह्लादनीय शक्ति ही संधिनी और संवित से युक्त होकर के जब विराजमान तो वह उपास्या बन करके विराजमान होते हैं। ब्रह्म तो अंग है, पहले भी था सच्चिद आनंद सत्यम ज्ञानमानंदम ब्रह्म, ब्रह्म तो आनंद रूप था परंतु उसमें संवित शक्ति का पूर्ण विकास नहीं है और उसमें संधिनी शक्ति के द्वारा अपने आप का प्रकाशन नहीं है। लाभनी और आनंद और ज्ञान दो रूप में तो है परंतु सत्ता का पूर्ण प्रकाशन नहीं है, इसलिए वो निर्मल है। परंतु वह सत्ता से युक्त होकर के जब विराजमान होता है तो वही भगवान होकर के विराजमान हो जाता है। इस तरह से श्री आह्लादनी जो शक्ति है महाभाव, वो महाभाव, महाभाव तो एब्स्ट्रैक्ट हुआ, महाभाव पर कोई छू करके महाभाव को थोड़ी देखा जा सकता है, आंखों से महाभाव को थोड़ी देखा जा सकता है, महाभाव तो भाव रूप है। परंतु भाव रूप ही जब इंद्रियों का विषय बन करके और मन बुद्धि का विषय बन करके विराजमान, मन बुद्धि का विषय बना तो वो ज्ञेय हो गया और इंद्रियों का विषय बना तो वह सेव्य हो गया। तो जो आनंद है भाव रूप वह ज्ञेय और सेव्य दोनों रूपों में होकर के जब विराजमान हुआ तो वे ही श्री नुकुंजेश्वरी रासेश्वरी होकर के श्री सखीगणों श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करती हुई रासमंडल में भक्तगणों को दर्शन देती हुई विराजमान हो रही हैं और उसी को निरूपण कर रहे हैं कि महाभाव जो उज्ज्वल चिंता रत्न है उससे ही उद्भावित विग्रहम जिनका श्रीअंग बना है। सखी प्रणय सदगंध वरो बर्तन सुप्रभाम, अब सखीगण जो है वो श्री प्रिया जी के ओटना कर रही है, उद्वर्तन कर रही है। अब ये उद्वर्तन क्या है, सखियों का प्रेम पहले संवित शक्ति से युक्त हुआ और संधिनी शक्ति से युक्त होकर के वो ही सुंदर ओटना बन गया, वही चिरौजी की पिठी बन गई, वही चावल और वही आटा और हल्दी की पिठी बन गई जिसमें हल्दी मिलाई गई है, जिसमें सुंदर अतर मिलाया गया है और उस उभटने को लेकर के सखीगण श्री प्रिया जी के श्री चरणों में लगा रही हैं, जंघा में हाथ में मुख के ऊपर ओवटना लगा रही हैं और ओवटना ओवटन जिस समय मालिश कर रही हैं उस समय वही वो हल्दी बनकर के विराजमान हो गया और उस हल्दी का ओवटना कर रहे हैं। तो सखियों का जो प्रणय प्रेम वो प्रेम ही सदगंध से युक्त उवटन बन करके विराजमान हुआ और उवटन बन करके वह सेवा की वस्तु बन गया। तो सेवा में जितनी भी वस्तुएं, उवटन भी कोई प्राकृत पांच धातु पंच तत्व से बना हुआ कोई तत्व नहीं है। प्राकृत जो हल्दी है, प्राकृत जो आटा है, तेल है,
जो उसमें कहीं सुगंध मिलाई गई है वो सबकी सारी वस्तु उठने की जितनी भी वस्तु हैं जो चिरौजी मिलाई गई है तो वो चिरौजी आटा तेल हल्दी औषधि सुगंध इनको मिलाकर के जो वटन बनाया गया और जिसको श्री अंग पर लगा करके सखीगण पहले अंग में लगाएंगे और फिर रगड़ेंगे और रगड़ करके बत्ती बत्ती बन करके वो सारा वटन जैसे निकल जाएगा वटन करते हुए वटन को जैसे निकाला जाएगा तो वो कोई स्थूल वस्तु नहीं हुआ बल्कि भाव ही संधनी शक्ति से युक्त होकर के यहाँ पर उबटन बन करके विराजमान हो गया और उस उबटन से सखीगण श्री प्रिया जी के श्री अंग में ओवटना करती हुई विराजमान हो रही हैं। अब यही पद्धति यही है कि आनंद जो भाव था एब्स्ट्रैक्ट था वही पहले ज्ञान का विषय बना तो फिर वही कहीं भोग का विषय बनकर वही कहीं सेवा की वस्तु बनकर के विराजमान होता हो जाता है। तो अस्ति जानाति करोति ये तीन जो वाक्यों का प्रयोग होता है वो अस्ति भी हुआ उसका अस्तित्व है फिर जानाति जानने में आया फिर करोति क्रिया के अर्थ में भी आया तो अस्ति जानाति करोति ये तीन रूपों में जब तीन रूप जब तक पूर्ण नहीं होते हैं तब तक वेदांत में ब्रह्म वह ईश्वर बन करके सामने प्रकट नहीं होता है। तो यहां पर श्री नुकुंज मंदिर की जितनी भी वस्तु हैं वे सब आह्लादनी जो वस्तु हैं वे आह्लादनी वस्तु ही जानाती और करोती इन दोनों योग वस्तुओं से भी युक्त होकर के अस्तित्व उनका था जानाति और करोति बन करके वे दोनों से युक्त होकर के विराजमान हो रही हैं और सखीगण इस प्रकार निकुंज की प्रत्येक वस्तु चिन्मयी होकर के विराजमान हैं उन चिन्मयी वस्तु की हम वंदना करते हुए वो सेवा की अभिलाषा करते हुए विराजमान हो और श्री गुरुदेव मुझे सिखाएंगी कि तू इस प्रकार श्री प्रिया जी की सेवा कर और प्रिया जी का स्वरूप ये है उनका जो महाभाव स्वरूपा श्री राधिका उनका अब उपदेश श्री गुरुदेव मुझे प्रदान करेंगी ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर श्री तुंग विद्या जी उनकी शरणागति ग्रहण करके श्री प्रिया जी के महाभाव स्वरूप का स्मरण करते हुए विराजमान हो रही है। बोलो श्री राधा रानी की कल और परसों दो दिन यहाँ सेवा का विश्राम रहेगा क्योंकि श्री मनमोहन जी की सेवा निकुट की उसमें व्यस्तता रहेगी तो कल दो दिन तो नहीं आएंगे फिर परसों तो उसके बाद में आएंगे। सब लोगों के श्री चरणारविंद में वंदन है वैष्णव के कृपा करके दर्शन दें 28 तारीख को श्री अन्नकूट माने कल के बाद में परसों अन्नकूट है तो परसों अन्नकूट का दर्शन करने के लिए अपने जो स्थान है श्री मदनमोहन जी का स्थान वहाँ पर कृपा करके सब लोग पधारे मदनमोहन जी के दर्शन करने के लिए पधारे अन्नकूट की बड़ी सुंदर सेवा ठाकुर जी के दर्शन का सब लोगों को निमंत्रण अन्नकूट पधारे के दर्शन करेंगे कृपा करेंगे और चरणरेश प्रदान करेंगे ढाई ढाई बजे के बाद में ढाई से इस समय तक माने 6 बजे तक 6:45 तक ठाकुर जी दर्शन हाँ अपने हमारे घर पर चैतन्य विहार सेकेंड फेज सेक्टर 4 पंचकुला के पास में जो बिजली कंपनी है उसके तीसरी लाइन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा।